हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। आज मेरे को स्टार्ट करने का मौका मिला है। स्वागत है आप सभी का YouTube नेहा दीदी के YouTube चैनल में। हाँ सारा स्वागत है। और अभी हम लोग वेन्यू के लिए निकल गए हैं यहाँ से, तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तीन ही लोग क्यों दिख रहे हैं, एक हमारी कहाँ गई? तो छोटू आगे दिखाओ, एक कहाँ गई? एक ही बैठी है, पलटो इधर में। आज अभी दिखेंगे नहीं, थोड़ी देर में दिखेंगे जब हम लोग उतरेंगे। तो वहाँ पे एंट्री भी सबकी स्टार्ट हो रही है। सुनो तो आप इस गाड़ी में बैठ जाओ, इसको लेके जाओ, मैनुअल है और मैं ऑटोमेटिक चला लूंगा, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक मिनट कट कर दे बेटा, कट कर दे। सभी लोगों से मिलकर मस्ती मजाक के साथ में हम वेट कर रहे थे हमारी बाबू की एंट्री का। कितने प्यारे लग रहे हैं सबके आउटफिट, और सबकी खूबसूरती इसलिए खिली खिली सी लग रही है ना क्योंकि हम सब साथ हैं, और जब माहौल खुशनुमा होता है ना तो वो रौनक चेहरे पर दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट अमित भैया ने किया, सभी लोगों को बहुत पसंद आया, और जो व्यवस्था उन्होंने करी थी ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही थी। जब हम मम्मी पापा बन जाते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं रह जाती, फिर हर पल जो हमारा होता है हमारे बच्चों के लिए होता है कि कैसे उनके किसी खास दिन को हम इतना स्पेशल बना दें कि वो हमेशा सबके दिलों में एक याद बन के रह जाए कि हाँ ये हमने अपने बच्चे के लिए किया था। बच्चा जब एक साल का होता है ना तो माँ को और उसके पापा को वो दिन याद आता है कि इस समय पर ऐसा हो रहा था, और उस खुशी में हम सभी को शामिल करके, और हम वो जो फीलिंग थी ना हम सभी लोग फील कर पा रहे थे कि हाँ हमको भी याद आ रहा था, मुझे भी याद आ रहा था कि यार जब ताशी छोटी थी, जब ताशी का फर्स्ट बर्थडे था तो हमने क्या क्या पलों को जिया है, तो वो सब कुछ मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। क्योंकि आशीष जी की भी यही ख्वाहिश थी कि हम एक बार ताशी का बर्थडे बहुत ग्रैंड करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो वो जल्दी होगा भी। सरिता, आरती जी, जेठू भैया सब लोग इसी टाइम पर आए थे। बहुत मेहनत करी अमित भैया और किट्टू ने इस एंट्री के लिए, और उनकी मेहनत दिख भी रही थी। ईश्वर करे ना बाबू का हर दिन इतना ही खास हो, स्पेशल हो, सबका प्यार सबका आशीर्वाद हमेशा उसको ऐसे ही मिलता रहे। सरिता का डांस करने का बहुत मन कर रहा था पर वो कर नहीं पा रही थी, तो यहाँ सब उसको यही कह रहे हैं कि तुम बैठे बैठे एंजॉय करो, बस हम सब यहीं आसपास तुम्हारे पास हैं। गेम खेलने के लिए नहीं जा रहे थे हम लोग, तो अमित भैया नाराज़ हो रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाता है कि आपको हर गेम में पार्टिसिपेट भी करना है और खूब एंजॉय करना है एकदम खुल के। इसका दर्द बहुत खतरनाक है, बहुत सुन नहीं पाओगे। अभी जो मैजिशियन आए हुए हैं बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और मैं उनसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हर इंसान को टैलेंट, उसके पास अगर कोई टैलेंट है तो उसको मौका देना चाहिए, और हम भारतवर्ष में रहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनको ये मौका मिले। और मैं चाहती हूँ कि वो पहले होता था ना, हम देखने जाते थे अपनी दादियों के साथ, मैं तो बहुत गई हूँ, वो जादूगर ऐसे बीच में से ऐसे काट देते थे लड़कियों को, तो वो तो नहीं, खैर वो पॉसिबल नहीं है, हम ऐसे यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते भले ही वो जादू हो कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो किसी को गायब करके बताएं, पहले उसको गायब करें और फिर वो इंसान कहीं और से निकल के आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ नीतू दीदी को गायब करें, और वो जैसे उनको नहीं नहीं वो जैसे इनको गायब करेंगे उसके बाद हम इनको गायब कर देंगे, तो ये वापस आने का थोड़ा सा इनका ये सचिन जी हैं, मैजिशियन हैं, बहुत अच्छा शो इन्होंने किया, मैंने लाइव पहली बार देखा है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा देखकर। एक प्रेडिक्शन बना हुआ था वहाँ पर, हमारी आरती जी गई थी कि वो रील शूट करेंगी, लेकिन वो घूम नहीं रहा था, तो आरती जी खुद ही घूम रही थी। ओ भाई
आज से नहीं छोड़नी आपको, ठीक है? वहाँ पर गए सचिन भैया देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। लवली नहीं छोड़नी आपको। केक कटिंग तो लाजवाब थी, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपको सारे मूवमेंट मिल जाएंगे अमित भैया के चैनल पर, क्योंकि हमने बहुत कम ही क्लिप यहाँ पर मेंशन किए। बाकी सब कुछ आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अरे भाई आप दे दो कैमरा, दे दो गाइस यार, बर्थडे सॉन्ग गा लो। अमित भैया मुझसे नाराज होते हुए, मुझसे मतलब मुझे धमकी दी गई है कि जब वो भोपाल आएंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कैसा कर रही हूँ, क्यों ऐसा कर रही हूँ कि मैंने जब से आई तब से एक भी वीडियो फोटो नहीं बनाया उनके साथ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई भी गिफ्ट लेकर किसी पार्टी में नहीं गई। सो सॉरी अमित भैया। बहुत 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 मजा आया। नहीं आपने मजे नहीं किया हमारे वहाँ, ठीक है? नहीं करो आप किट्टो को मिस कर रहे थे, झूठ मैं बोलूंगी नहीं। मतलब जितना मुझे मजा लेने था मैं अपने हिस्से के लिए किट्टो खींचे का नहीं ले पाया। आप आधे ज्यादा अमित भैया कहा है, अमित भैया अपने खोपचे में, अमित भैया कहा है, अमित भैया अपने खोपचे में। अरे सही में तबियत वहाँ पे डाउन हो गई है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। सचिन भाई का अलग हुआ है, वो भाई का बात कर रही हूँ, बेबू से नंबर दिख गया ना, बेटा तो यार शादी में सोते नहीं दिखेगा। मैं क्या कर सकती हूँ। कोमल ने मुझे गिफ्ट भेजा था, उसमें मैंने प्रॉपरली अनबॉक्सिंग करते टाइम सामने नंबर और वो मैंने डाला और आधे घंटे बाद कम से कम 17-18-20 कॉल हो गया। फिर मैंने उसको कट कट मैंने देखा था, फिर मैंने उसको वो वाला पार्ट कट कराया, भाई फंस गई पूरी। मैंने भी चलाया, ये भी खिलाड़ी एक तरफ ये देख रहे थे, एक तरफ मैं देख रहा था। अच्छा गाड़ी अपने लोग क्या ज्यादा टाइम बाद बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं, रोड किधर है? लेकिन सचिन भाई साहब मतलब कोहरे में कुछ दिखाई नहीं रहा, उसमें भी 100 में स्पीड में गाड़ी चल रही है, 120 चल रहा है। मैं तो भाई साहब दीवार में ऐसे देख रहा हूं अपनी गाड़ी को, नहीं दिख रहा है। बाय 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 बाय, ध्यान रखना अपना। हम तो अपना नहीं रख रहे पर तू तेरा रख लेना, ये पीछे से कोपरे डाल के रखेगी। बाय बाय, तू बधाई बांट, सरिता जा रही है, सरिता जा रही है, बधाई बांटो, बधाई। ठंड ए, तुम लोगों को कैसे ठंड नहीं लगती? मेरे को लग रही है यार, ऐसे में क्या अलग जगह मिट्टी की बनी हुई हूँ, लग रही है बहुत तेज की लग रही है। मैं निकल जाती हूँ, दीदी को जहाँ जाना है घर मेरे, हम भी निकल रहे हैं और ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। आपका कब का ट्रेन बची है? मैं यहाँ से जाऊँगी मथुरा, इसको छोड़ के फिर निकलूंगी। कब कब जाओगी? कल 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 निकल जाएंगे हम। फ्रेंड तो कब की निकली हुई है ये, आराम से बाय 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 बाय। कहाँ जाओगे? जी नमस्ते, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? तुम लोगों को एक छोड़ देते हैं ना, बहुत टेस्टी है ये, देखो देखो। ओ मेरे को खाने बाय। हम जाएंगे शायद इसमें तुम्हें पसंद नहीं क्या? अरे पर्स मेरा हमेशा छूट जाता है यार, पसंद नहीं है क्या? पसंद तो है, तो फिर क्यों छोड़ रहे हो? तो तू पकड़ ले तो घर तक चला जाएगा कम से कम। सही
खाली हो तो बताना, आना कैंटीन पास में ही, यहाँ से एक घंटे का रास्ता है। कल निकलेंगे वैसे, जैसा भी होगा बताना। ये पीछे डाल दिए सब बोतल पीछे डिग्गी। कैसा कर रही हैं आप? कैसा फील कर रही हैं लोग? बस हल्का सा तो सामान बैठा है, जरूरी है से हम पहुंचने वाले हैं सही जगह पर। पतले लोग बड़े क्यूट होते हैं, देखो कल भी एडजस्ट हो जाए। चलो इसको एडजस्ट होना बोलते हैं, चलो बाय गाइस। इसको चॉकलेट लगना बोलते हैं, इसको एडजस्ट होना। चलिए इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही।